हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स एक्सरसाइज 2.5। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। अगर हम देखें 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, और 1 किलोमीटर में मीटर्स होते हैं 1000। यही होता है, सेंटीमीटर गिवन है, मीटर में चेंज करना है। जब हम राइट टू लेफ्ट आएंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो हम करेंगे डिवाइड। तो 5 सेंटीमीटर को अगर हमें मीटर में चेंज करना है, किससे डिवाइड करेंगे, जो नंबर यहाँ पे होगा 100 मीटर। दो जीरो है तो दो डिजिट्स पहले डेसिमल आएगा, 1 डिजिट, 2 डिजिट, सो 0.05 मीटर्स। क्लियर है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड करेंगे किससे, जो नंबर यहाँ होगा, डेट इज 100। तो दो डिजिट्स के पहले डेसिमल आएगा 5 0, सो 0.05 मीटर्स। अब हमें इसे किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है। अगर हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये आंसर आया, 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5/100 मीटर। फर्स्ट पार्ट में ही हमने किया है। अब मुझे मीटर्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। अगेन राइट टू लेफ्ट गए, क्या करना है हमें, डिवाइड किससे, 1000 से। सो 5/100 डिवाइड करना है तो हम इसे लिखेंगे 1/1000। तो 5/ कितने नंबर ऑफ जीरोस हो गई, 5 1 2 3 4 एंड 5। डेसिमल लगाएंगे, 5 डिजिट्स, 1 2 3 4 5, सो डेसिमल 0.4 × 0.5 किलोमीटर्स। क्लियर है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। जब हम राइट टू लेफ्ट कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर टू मीटर, ये स्मॉलर यूनिट है, स्मॉलर टू बिगर कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड होगा, बिग टू स्मॉल कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 100 है तो हमने 100 से डिवाइड किया, डेसिमल 2 डिजिट्स आगे चला जाएगा। यहाँ पे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, सेंटीमीटर को हमने ऑलरेडी मीटर में चेंज किया है, अब मीटर वाली टर्म हमने लिख ली, मीटर को अब हमने किलोमीटर में चेंज करना है तो डिवाइड करेंगे 1000 से। सो हमने 1000 से डिवाइड किया, 5 जीरोस आर देयर, तो 5 डिजिट्स आगे डेसिमल चला जाएगा। फर्स्ट पार्ट नोट कीजिए, नाउ थर्ड का सेकेंड पार्ट क्या है, एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर्स इन सेंटीमीटर मीटर एंड किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर होते हैं 10। बड़े यूनिट को हम स्मॉल में चेंज करते हैं तो ऐसे लिखते हैं, 1 मीटर सेंटीमीटर से बड़ा यूनिट है उसमें होते हैं 100 सेंटीमीटर, किलोमीटर उससे बड़ा यूनिट है इसमें होते हैं 1000 मीटर्स। इतना क्लियर है? इसके फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट मैं अभी यहां पे लिख रही हूं, 2.034। क्लियर? 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर 10, 1 मीटर में सेंटीमीटर 100, और 1 किलोमीटर में मीटर्स 1000। ये तो हमें पता है। अब हमें चेंज करना है 35 मिलीमीटर्स इन सेंटीमीटर। मिलीमीटर को किसमें कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर। क्या करेंगे, डिवाइड, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, डिवाइड करेंगे। सो 35 मिलीमीटर्स इज इक्वल्स टू 35/10 सेंटीमीटर। एक जीरो है, 1 डिजिट पहले चला जाएगा डेसिमल, 3.5 सेंटीमीटर।
क्लियर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, मिलीमीटर को हमने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स में, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो 10 से हमने डिवाइड कर दिया। अब हमें इसे चेंज करना है मीटर्स में। अब हमारे पास सेंटीमीटर्स में तो आंसर आ गया, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में तो क्या करेंगे, डिवाइड। सो 35 मिलीमीटर्स इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100, तो इसमें हो जाएगा कन्वर्ट। मीटर्स में 2 डिजिट्स डेसिमल और आगे चला जाएगा, यहाँ पे था 1 डिजिट 2 डिजिट, सो 0.035 मीटर्स। क्लियर, 0.035, यहाँ पे डेसिमल था 5 से पहले, 2 डिजिट्स और आगे जाएगा 1 एंड 2। नाउ मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, डिवाइड करेंगे 1000 में। मीटर में हमारे पास टर्म आ गई 35 मिलीमीटर्स इज इक्वल्स टू 0.035 मीटर्स। मीटर्स को किलोमीटर में चेंज करना है, डिवाइड करेंगे 1000 से, डेसिमल 3 डिजिट्स और आगे चला जाएगा 1, 2, 3, सो 0.4 times 0.35 किलोमीटर्स। क्लियर है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 1 मीटर में सेंटीमीटर्स कितने हैं, 1 किलोमीटर में मीटर्स, 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर्स। अगर आपको ये पता है तो कन्वर्जन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्लियर? तो 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर, अगर हमें राइट टू लेफ्ट चेंज करना है, जो डिजिट यहाँ पे होंगे उससे डिवाइड करेंगे और साइन अब ये आएगा क्योंकि हमने कन्वर्ट कर दिया। तो मिलीमीटर टू सेंटीमीटर चेंज किया, 10 से डिवाइड किया, 1 डिजिट आगे डेसिमल जाएगा। अब हमारे पास सेंटीमीटर में आंसर है, हमें चेंज करना है मीटर्स में, 100 से डिवाइड करेंगे। मीटर्स में आंसर आ गया, हमें चेंज करना है किलोमीटर में तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 3 डिजिट्स डेसिमल और आगे चला जाएगा। नोट कीजिए सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस इन किलोग्राम्स, हमें पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। 1 किलोमीटर में मीटर 1000, 1 लीटर में मिलीलीटर 1000, 1 किलोग्राम में ग्राम 1000। नाउ अब हमें किसमें कन्वर्ट करना है, ग्राम में तो हमारे पास है, चेंज करना है किलोग्राम में, ग्राम टू किलोग्राम चेंज करना है, क्या करेंगे, डिवाइड। अगेन राइट टू लेफ्ट कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, डिवाइड। सो इज इक्वल्स टू 200 ग्राम अपॉन 1000 किलोग्राम्स। जब आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, पहले आपको ये लिखना है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम हो गया 1 अपॉन 1000 किलोग्राम, तो 200 ग्राम्स किसके इक्वल होंगे। क्लियर, 2 जीरो कैंसिल हो गए हमारे पास, 2 अपॉन 10 दैट इज 0.2 किलोग्राम्स। नाउ इसे चेंज करेंगे, हमें पता है 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1000 किलोग्राम्स, तो 3470 ग्राम्स किसके इक्वल होंगे, 3470 अपॉन 1000 किलोग्राम। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 डिजिट्स पहले चला जाएगा डेसिमल, 3.47 किलोग्राम्स। इस तरह से आपको पूरा शो करना है एग्जाम में, तो घर पे भी अगर आप इसी तरह से प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। अगर आपने यूनिट नहीं लिखे कि किलोग्राम में कितने ग्राम्स हैं, ऐसे ही सॉल्व कर दिया तो मार्क्स कट होंगे। क्लियर, नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, 4 किलोग्राम्स 8 ग्राम्स
4 तो किलोग्राम्स हमारे पास ऑलरेडी है प्लस 8 ग्राम्स है. 8 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000. सो अब दोनों किलोग्राम में आ गए यूनिट, 4 प्लस 3 डिजिट्स आगे डेसिमल जाएगा 1, 2 एंड 3. सो 4.008 किलोग्राम. क्लियर है ये कैसे किया? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, ग्राम टू किलोग्राम कन्वर्ट करना है. डिवाइड करेंगे किससे, इस वैल्यू से 1000. 1000 से डिवाइड किया, 20 से 20 कैंसिल, 2 बाय 10. 10 है तो एक डिजिट पहले डेसिमल चला जाएगा, 0.2 किलोग्राम. 1 ग्राम मीन्स 1/1000 किलोग्राम. ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, 1000 से डिवाइड करेंगे, 10 कैंसिल हो गई, 2 जीरोज है तो डेसिमल 2 डिजिट्स आगे चला जाएगा, 7, 4. सो हियर डेसिमल 3.47 किलोग्राम्स. नाउ 4 किलोग्राम एंड 8 ग्राम्स, इट मींस 4 केजी प्लस 8 ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया, डिवाइड किया 1000 से. 3 डिजिट्स पहले डेसिमल चला जाएगा, इन दोनों टर्म्स अब केजी में है, किलोग्राम्स में है, तो ऐड कर दिया 4.008 किलोग्राम. नोट कीजिए इसे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म. हमें पता है एक्सपेंडेड फॉर्म, अगर हम नॉर्मल नंबर को किसी को लिखते हैं, मान लिया 436, 436 को हमने लिखा एक्सपेंडेड फॉर्म में, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस. 100 प्लेस पे है तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टेंस प्लेस पे है तो 10 से कर दिया, वंस प्लेस पे है तो 1 से कर दिया. ये हो गई एक्सपेंडेड फॉर्म एक नॉर्मल नंबर की जो विदाउट डेसिमल है. अब हमारे पास जो विद डेसिमल नंबर है उसे हम कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे. जो डेसिमल के पहले वाले डिजिट्स होंगे ये तो यही होंगे, वंस, टेंथ. जो डेसिमल के बाद होते हैं वो होते टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंथ एंड सो ऑन. अगर हमारे पास ये कौन से प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे, सो 2 × 10 प्लस 0 है वंस प्लेस पे, प्लस अब डेसिमल आ गया 0 है टेंथ प्लेस पे, टेंथ मीन्स 1/10. जो डेसिमल के बाद के डिजिट्स हैं उन्हें 1/10, 1/100, 1/1000 इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो डेसिमल के पहले डिजिट होंगे उन्हें हम 10, 1, 10 और 100, 1000 सो ऑन ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे. सो प्लस 3/3 × 1/100. क्लियर? नाउ 2, ये कौन से प्लेस पे है, वंस प्लेस पे, 0 है टेंथ प्लेस पे और 3 है हंड्रेड प्लेस पे. सिमिलरली 2 है हंड्रेड प्लेस पे, 0 है टेंथ प्लेस पे, 0 है वंस प्लेस पे, प्लस 0 है टेंथ प्लेस पे, प्लस 3 है हंड्रेड प्लेस पे. इसी तरह से ये है वंस प्लेस पे, 0 है टेंथ प्लेस पे, 3 है हंड्रेड प्लेस पे और 4 है थाउजेंड प्लेस पे. जो भी डेसिमल के बाद के डिजिट्स होंगे उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 1/10, 1/100, 1/1000 एंड सो ऑन. और जो डेसिमल से पहले डिजिट्स होंगे उन्हें 1 से, 10 से, 100 से, 1000 से एंड सो ऑन. क्लियर? मीन्स जितने नंबर ऑफ डिजिट्स इसके पीछे होंगे उतने नंबर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई होगा. जैसे 2 के पीछे एक नंबर है, डेसिमल से पहले वाले की बात कर रहे हैं अभी हम, एक नंबर है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 नंबर है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है तो हमने, पीछे कोई भी नंबर नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया. और अगर डेसिमल के बाद वाले की बात करें तो 1/10, 1/100, 1/1000 एंड सो ऑन.
क्लियर। अभी हमने जो तीन सम किए उसे एक बार दोबारा से करते हैं जल्दी जल्दी से। 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। सबसे पहले जब भी हमें कन्वर्ट करना है हमें पता होना चाहिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स। तो मीटर को सेंटीमीटर, राइट टू लेफ्ट चेंज करेंगे तो डिवाइड करेंगे, लेफ्ट टू राइट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 10 से डिवाइड किया सेंटीमीटर में चेंज हो गया, सेंटीमीटर में हो गया तो मीटर और किलोमीटर में हम कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद किलोग्राम को ग्राम में, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, हमें ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, डिवाइड करेंगे 1000 से। जितनी जीरोस नीचे होंगी डिनोमिनेटर में उतने डिजिट्स काउंट करके पीछे से हम डेसिमल लगाएंगे। सिमिलरली 3470 को 1000 से डिवाइड किया, इसे हम 3.470 किलोग्राम भी लिख सकते थे अगर ये जीरो कैंसिल नहीं करते। नेक्स्ट 4 किलोग्राम्स तो है, 8 ग्राम है उसे किलोग्राम्स में कन्वर्ट किया, दोनों किलोग्राम है ऐड कर दिया 4.008 किलोग्राम। नाउ हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, हमने छोटी क्लासेस में 4th, 5th, 3rd से ही एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाती है तो उसमें दिया हुआ है। अगर एक सिंपल नंबर को करते हैं जो कि विदाउट डेसिमल है, कौन से प्लेस पे वो नंबर है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। 1 प्लेस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई, 10 प्लेस पे है तो 10 से, 100 प्लेस पे है तो 100 से। अब हम बात करते हैं डेसिमल की, जो डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स होंगे वो 10th, 100th, 1000 ऐसे मल्टीप्लाई होगा। 10th मीन्स 1/10, 100th मीन 1/100 एंड 1000th मीन 1/1000। क्लियर, नोट कीजिए इसे।